जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने जो ईमान में रखे। तो टाइम हो रहा है 11 बजे का और माशाल्लाह मौसम बहुत खुशगवार। पीछे आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, जैसा कि दूसरे इलाकों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम, लाहौर और गुजरांवाला और दीगर इलाकों में भी बारिशें शुरू हैं। और मैंने अपडेट देखी थी कुछ देर पहले, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो गर्मी थी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, क्या आपको बताएं। हमारे इलाके में तो कुछ ज़्यादा ही अवस्थ थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बारिश आ गई और मौसम जो है ना काफ़ी खुशगवार हो गया है। तो मैं अभी इधर छत पे बैठा हूँ खसूसी वीडियो बनाने के लिए। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि बारिश किस कदर है, सोलर प्लेट्स भीग रही हैं। यहाँ सोलर प्लेट्स में लाइट भी नहीं आ रही क्योंकि सूरज ही नहीं है, तो लाइट कहाँ से आनी है। वो फिर मैंने जो है यूपीएससी ऑन किया, वैसे तो बैटरी इसकी कुछ चार्ज हो गई थी क्योंकि सुबह धूप थी, जब मैं वाक से आया तो तब काफ़ी ज़्यादा धूप थी, उसके बाद ही जो है ना मौसम खुशगवार हुआ है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। आप देखते हैं कि ये बारिश कितनी देर बाकी रहती है, अल्लाह करे कि ये इसी तरह ही मौसम खुशगवार रहे और जो बाकी भी गर्मियों के दिन हैं वो भी अच्छे गुजर जाएँ। तो अभी देखते हैं कि कुछ मौसम के अतबार से, मौसम के लिहाज से जो है ना कोई डिश उस तरह की बनाते हैं जो खाते हैं, तो फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं कि क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं। जी तो मैक्रोनी तैयार हो चुकी है, इसको जो इसका जो दूसरा प्रोसेस था बॉयल करने का वो हो चुका है। अब इसमें जो बाकी मसाला जाते हैं वो जो है ना फेंकने के बाद, डालने के बाद जो है मज़ीद इसका जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो उसके बाद खाते हैं, पहले इसको अच्छी तरह तैयार करते हैं क्योंकि मौसम के अतबार से, मौसम के लिहाज से ये जो डिश थी ये ज़बरदस्त थी, जो कि जल्दी तैयार भी हो सकती थी और जल्दी खा भी सकते थे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया और अब जो मौसम है वो धूप वगैरह निकल रही है, बारिश वगैरह रुक गई है, तो और मौसम जो है पहले की नस्बत जो गर्मी ज़्यादा थी वो अब गर्मी नहीं रही, काफ़ी मौसम बेहतर हो गया। तो अभी मैंने जाना था बाज़ार, एक छोटा सा काम था, छोटा सा काम ये था कि बाइक जो है वो काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है, उसकी ट्यूनिंग वगैरह होने वाली है, छोटा मोटा उसका जो काम है वो होने वाला है। तो अभी उधर जाते हैं और जो बाइक का जो काम रहता है वो करवाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन एक माह से ज़्यादा हो गया कि उसकी ट्यूनिंग वगैरह अभी तक नहीं हुई, तो इसलिए वो ज़्यादा तंग कर रही है। तो अभी उसका काम शाम है जो वो करवाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो अभी मैं दुकान पे पहुंचा हूँ और जो बाइक का काम है वो अभी जारी है। काम उसका काफ़ी बिखरा हुआ था क्योंकि ट्यूनिंग काफ़ी देर से नहीं हुई थी, तो अभी उसका जो है वो काम अभी जारी है और इंशाल्लाह जो अभी आधा घंटा तो हो गया आए हुए और अभी मज़ीद जो है मुझे लगता है कि आधा घंटा लग जाएगा। जो सूरत हाल है क्योंकि उसका जो पिछला टायर है
वो देखें, ये इसका टायर वगैरह खोला हुआ है और जो चैन उसका ग्राइंड सेट था वो ख़राब था, वो चेंज करवाया है। और अभी बाकी इसका जो ऑयल वगैरह है वो चेंज करवाना था, और अभी मज़ीद जो है काम जारी है, तो इंशाल्लाह काम मुकम्मल होता है तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। जी तो बाइक का काम मैंने करवा लिया और अब मैं हो चुका हूँ फ्री बिल्कुल। अभी मैं उधर आया था बाज़ार, एक छोटा सा काम था और अदील भाई की शॉप पे बैठा हूँ। अभी मज़ीद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मौसम माशाल्लाह फिर बहुत खुशगवार हो गया और उम्मीद है कि दोबारा फिर बारिश आएगी, तो मैं भी बारिश इंजॉय करता हूँ और आपके पास अगर बारिश है तो आप भी इंजॉय करें। तो इसी के साथ आज के जो व्लॉग का अख्ताम करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए ताज़े फ्रेश व्लॉग में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट पर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।